हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला नमस्कार और छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं कब्बू अधिकारी स्वागत करती हूँ सभी लोग को अपने यूट्यूब चैनल कब्बू पहाड़ी ब्लॉग पर। ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। आफ्टरनून हो चुका है और अभी तो मैं बैठी हूँ, जस्ट अभी काम कम्प्लीट हो रखा मेरा, काम करके बैठ रखी हूँ अभी अभी, कि काम सुबह से हो ही जाता है कभी कुछ कभी कोई, बहुत काम हो रखा है तो अभी रेस्ट हो रखा है मेरा। अभी 12:40 हो चुका है और अभी मेरा काम हो रखा है कंप्लीट, और इसके बाद जस्ट अभी बनाना है लंच। लंच में दाल मैंने आज राजमा भिगा रखी, दीदी ने बोला राजमा भिगा दे तो मैं राजमा भिगा के आई हूँ, उसके बाद राजमा बनाते हैं। और वहाँ पे अभी अभी जस्ट मैंने चाय बनाई, दीदी की सासू माँ रखी हैं उनके लिए, आज ही पहुँची हुई हैं वो तो उनके लिए अभी अभी चाय बनाई, यहाँ की फर्स्ट चाय बना रखी है मैंने अभी तक, क्योंकि यहाँ घर में कोई चाय पीता ही नहीं है। रुद्रपुर में तो मेरे हस्बैंड चाय चाय करके दिमाग ख़राब करते हैं कि चाय बना चाय बना, बट यहाँ अफसोस यहाँ कोई चाय नहीं पीता है, कोई भी चाय नहीं पीता, ना दीदी पीती है ना जियाजी पीते हैं। तो दीदी की सासू माँ रखी उनके लिए अभी अभी जस्ट मैंने चाय बनाई, वो चाय पी रही है, और मैंने सोचा कि ना मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। क्या हुआ इधर आ? आज मेरी आंसू की तबीयत थोड़ी वीक हो रखी है, कल से फीवर हो रखा है इसको हल्का फुल्का। आज मेरे बेटू का फेस भी फुल्का हुआ है ना बब्बा, इसको फीवर हो रखा है, पेट में भी इसकी दर्द बता रही है, और खाना तो कल रात से नहीं खा रखा, कल रात भी नहीं खाया और अभी भी नहीं खाया, केला दिया था मैंने वो भी नहीं खाया इसने। सो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको अपने दीदी का पूरा घर, छोटा सा घर है हमारी तरह, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, जैसे हमारा छोटा छोटा हमारा घर है वैसे इनका भी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गेट से। सो गाइस, यहाँ पे इनने करी है स्कूटी खड़ी, और ये इनका बाहर से दिखने रहा धूप, दिखने रहा अच्छा, धूप बहुत तेज़ हो रखी है। यहाँ पे दीदी ने एक अमरूद का पेड़ भी लगा रखा है। इधर आ, अंदर आ, अंदर आ, ये बैठ गया स्कूटी पे, अंदर आ। ये किस चीज़ की चाबी है? ये चाबी स्कूटी की है, स्कूटी की है, ये ब्लूटूथ की कहता है, ये है गेट। चल फिर ब्लूटूथ की चाबी उसमें कहाँ लगा रहा है, चलो अंदर चलो, आ जा मैं तो जा रही अंदर। ये रहा गेट, चलो ये है आशूर, वो नल में अभी पानी नहीं आ रखा, आ जा चल अंदर। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा फ्रंट, यहाँ पे स्कूटी रखते हैं, थोड़ी जगह है यहाँ पे, ऐसी इस तरीके से बन सकते हैं साइकिल। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वॉशरूम, एक वॉशरूम यहाँ पे है, एक वो वॉशरूम हो रहा, और यहाँ नहाने वाला है, और सामने है वॉश बेसिन, उसमें दीदी ने अपना थोड़ा मेकअप का सामान भी रखा है, और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, इधर वॉशिंग मशीन लगा रखी इनने, क्योंकि वॉशरूम में उधर जगह नहीं है। और यहाँ पे इनने अपनी बुलेट खड़ी कर रखी है, और उसके बाद है लेफ्ट में ही है बेडरूम इनका, ये रहा बेडरूम। यहाँ पे है शोकेस इनका, शोकेस में थोड़े से बर्तन भी रखे हैं और थोड़ी फ़ोटो फ्रेम भी रखी है, ये रहा। और ऊपर है स्टोर टाइप का बना रखा है ऊपर उनने, उसमें गीजर रखा हुआ है। और यहाँ पे है फ्रिज, क्योंकि इनका किचन थोड़ा छोटा है तो फ्रिज किचन में नहीं आ रखा है, तो फ्रिज यहाँ पे रख रखा है इनने। और यहाँ पे है एक अलमीरा है, ये रही, और एक है कवर्ड, ऊपर इनने ऐसी स्लिप डाल रखी है, उसमें दीदी ने पर्दे लगा रखे हैं, और दीदी ने अच्छे से मेंटेन कर रखा है घर, मैं तो पूरे फैला रखती हूँ, फैलाए रखती हूँ, बट दीदी ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है पूरा घर, मैं तो पूरा घर फैलाए रखती हूँ। और उसके फिर लेफ्ट से रोक के लेफ्ट साइड में फिर है किचन, ये है किचन इनका, कुछ इस तरीके से है किचन इनका, ये है किचन। यहाँ पे आरो लगा रखे है, और क्या, यहाँ पे विंडो है इस साइड में, और कुछ खास नहीं है, इतना ही है। उसके बाद है ऐसे दो रूम है यहाँ पे, ऐसे इस टाइप से दो रूम, इस वाले रूम पे है मंदिर, बच्चों ने टेबल का भी पूरा कब्र नीचे गिरा रखा है, अभी मैं सही करूँगी। यहाँ पे है मंदिर इनका, इधर से विंडो, इनका कॉर्नर वाला मकान है तो इनके घर में उजला उजला हुआ रखता है, ये अच्छा है, कॉर्नर वाले मकान में ये अच्छा रहता है कि घर में उजला रहता है। और यहाँ एक शोकेस ने यहाँ पे भी बना रखा है, इसमें क्या क्या रखा है, आदि लोगों की फ़ोटो, वंश की फ़ोटो, और यह है इनकी शादी की फ़ोटो फ्रेम, और एक ऊपर भी है ये रही, और इसमें भी इनने रैग डाला है,
यहाँ पे भी दीदी ने पर्दा लगा रखा है ऐसे। इन्होंने तीनों रूम पे रैक बना रखा है ऐसे और पर्दे से उसको कवर कर रखा है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं जहाँ पे है, जहाँ पे सोता है बेबी आजकल, ये है बेबी वाला रूम, ये रहा बेबी वाला रूम। एक्चुअली बेबी है नहीं अभी, यहाँ पे बेबी सोता है दीदी और बेबी, बेबी का किट, और अभी बेबी है नहीं यहाँ, बेबी गया हुआ है। गाइज अभी बेबी यहाँ है नहीं, बेबी गया है आज हॉस्पिटल। काबे अपने भाई लोगों के साथ गई है दुकान, जैजी गए हैं दीदी के साथ, और यही दोनों हैं, और दीदी की सासू माँ हैं, दीदी की सासू माँ वो गई है अभी छत पे, उनके लिए बनाई मैंने चाय, चाय बनाई मैंने पहाड़ी स्टाइल में, बनाई थी पहाड़ी वाली बिना बिना चीनी वाली, मतलब इसके साथ उन्होंने इसके साथ पी। हाँ यहाँ पे भी है दिव्यांश के लिए। सो गाइज इसके साथ इन्हें चाय बनाई, मिश्री नहीं है ये, इसको हमारे यहाँ तो गट्टा कहते हैं। इसके साथ इन्हें चाय पी, ये रहा हमारे यहाँ तो गट्टा कहते हैं इसको। और मैंने दीदी की सासू माँ से पूछा, उनने कहा हमारे यहाँ गट कहते हैं, गट ये बोलती गट कहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं इसको कमेंट में बताना ज़रूर। ये इनका डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में पड़ता है, और ये लाई थी बाल मिठाई। सो गाइज अल्मोड़ा की फेमस डिश बाल मिठाई ये लाई थी, मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने भी खाई, बच्चों ने भी खाई, मुझे ये वाली स्वीट बहुत पसंद है। और मैंने इनके गट को भी खा लिया, हमारे यहाँ गट्टा कहते हैं। अभी मैं यहाँ घर पे, दीदी की सासू माँ ऊपर गई हैं कपड़े उठाने, वो अभी तक आई नहीं है, अभी अभी जा रही ऊपर गई हैं। और अब बनाते हैं खाना, और उसके बनाती हूँ दाल। अभी जीजी लोग आ जाएंगे, दीदी लोग भी, और बच्चे जब जीजी आएंगे उसके बाद बच्चे आएंगे। काव्या के तो यहाँ इतने मज़े हो रखे हैं, वो कहाँ रुकती वहाँ, चाची कह रही थी रुक जा करके, नहीं रुकी यहाँ, क्योंकि यहाँ इसके बहुत मज़े हो रखे हैं। दुकान पे जा रही है और खा रही है, मेरे से कह रही है आप जाओ, मैं मुझे नहीं आना है, वो सोच रही है शायद हमेशा यहाँ कह रही है कि मैं यहीं रहूँगी और यहीं पढ़ूँगी, बोल सोच रही होगी कि दुकान पे जाऊँगी खाऊँगी। उसे क्या पता है थोड़े दिन का होता है कि ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ऐसी मनमानी। अब वो दो चार दिन के लिए आई है तो कौन क्या कहेगा उससे, तो वो जा रही मर्जी से खा रही है, वो सोच रही कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे करिए आप जाओ, मैं यहीं रुकूँगी। सो क्या जब बनाती हूँ दाल चढ़ा देती हूँ दीदी के लिए, कुछ अलग बनाऊँगी हल्की दाल, और अपने लिए बना रही हूँ मैं राजमा, आज राजमा भिगा रखी है मैंने। तुम दोनों क्या कर रहे हो, पापा पापा खेल रहे हो क्या, चाबी कहाँ छुपा रखी तूने, दिखा चाबी दिखा, और वहाँ कौन सी चाबी छुपा रखी है तूने, देख हम अपन देख हैं, बुलेट की कहाँ छुपाते, बुलेट की चाबी कैसे छुपाते, छुपा छुपा के छुपा छुपा, ये देखो इसको, अगर चाबी खोएगी ताऊ जी मारेंगे, नहीं मारेंगे, मैं तो रख दूंगा। कैसे रखेगा, ऐसे वाले कमरे में रख देगा। हाँ। अच्छा ताऊ जी अपने आप मारेंगे आपको, नहीं मारेंगे। और वो वाली चाबी कौन सी है, वो नीचे क्यों फेंकी हो, स्कूटी की चाबी है, यहाँ यहाँ भी सब कुछ जानने लग गया है, किसकी चाबी है करके, ये तो चाबी गिर गई, गिर गई डाल तो, और डाल तो क्या? ये देख बाबू रे हीरो, कितना हीरो हो गया ये, मेरा तो बेटा तो बहुत ही हीरो हो गया, गेट खुला गिरेगा पीछे को। ताऊ जी कहाँ हैं, ताऊ जी तो लुदुलपुल चले गए, लुदुलपुल चले गए हैं, दुकान गए हैं, नहीं तो लुदुलपुल चले गए, वो भैया को हॉस्पिटल ले गए ना। बेबी कहाँ गया, बेबी कहाँ पता ही नहीं है तेरे को, हॉस्पिटल चले गया। अच्छा ये कौन है फिर, ये कौन है पता नहीं, अम्मा बोल, अम्मा दादी अम्मा, दादी अम्मा आशु दूध पी ले। तो गाइज दिव्यांशु को तो पापा की उतनी याद नहीं आ रही, आशु को बहुत ज़्यादा याद आ जा रही है, पापा की कभी कभी रोने लग जा रही है, तो हम दो चार दिन के बाद जाएंगे अब सीधे। तो गाइज बनाते हैं खाना, ब्लॉग को यहीं पे करते समाप्त। तो आपको कैसा लगा हमारे दीदी लोगों का घर,
कमेंट में बताना ज़रूर। और आपके हैं जिसको क्या कहते हैं, जो मैंने गट्टा करके नाम बताया था उसको क्या कहते हैं, उसको भी बताना कमेंट में बताना ज़रूर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेस्ट रहें। बाय बाय।